In Jharkhand, a train mishap in Jamtara has claimed two lives at least. That's the latest information that we have so far. In fact, as per reports, the incident got triggered by rumors of a fire on a train, though the railways have in fact said later that there was no fire at all on any train coach. They also clarified that the victims are not passengers and that they were walking on the track. At the moment, what we do know is around 10 to 12 others have been rushed to the hospital, and a three-member team has in fact been sent to the location to investigate. Let's take a look at some reactions coming in on this. दिखाई पड़ रहा है, दो से तीन तक अभी बॉडी देख पाए हैं और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने हैं? घायल कितने ये तो और नहीं बता सकते। ट्रेन का टाइम बता सकते? ट्रेन का टाइम 6:40-50 के बीच में ही घटना हुआ है। नहीं, हम बाइक से अपना जामतरा से आ रहे थे, ट्रेन जैसे रुकी देखे थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था तो हम ब्रेक करके हमने पब्लिक को हेल्प करने के लिए दौड़ा। लगभग कितना आदमी ट्रेन से उतरा होगा? ट्रेन यहाँ वो उतरा होगा कम से कम 200-300 आदमी लड़का उतरा हुआ था, बैग लेके, कोई ट्रॉली लेके, कोई बच्चा लेके, कोई बीवी लेके, मजदूर आदमी थे जो बिहार जा रहे थे। अभी तक दो बॉडी रिकवर हुई है और साथ में हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी रिक्वेस्ट किए हुए हैं रेलवे से, और जल्दी जारी होते ही हम लोग भी प्रशासनिक जिला प्रशासन स्तर पर भी उसको हम लोग टेलीकास्ट कर देंगे, सो दैट कि जिनके भी परिजन हैं उसके बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं ले पाए। घायल कितने लोग हैं सर? घायल की सूचना नहीं, इसी के लिए हम लोग जो है हॉस्पिटल लेवल पे सुपरवाइजर या मेडिकल ऑफिसर को रखे हुए हैं कि जो भी अगर पहुंच रहे इलाज के लिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बारे में जानकारी को एकत्रित। घटना क्या सर? कारण अब रेलवे से पूछ के ही या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आई एम जॉइंड बाय माय कॉलीग हरिवंश ओवर द फोन लाइन। हरिवंश, अभी तक के लिए क्या जानकारी है, ये दो लोग कौन थे जो ट्रैक पे चल रहे थे, क्योंकि रेलवे का दावा है कि वो पैसेंजर्स नहीं थे, तो ये जो ट्रेन में आग लगने की अफवाह थी वो कहां से आई? ये ट्रेन जो है आसनसोल रेल डिवीजन अंतर्गत जो जामतारा जिले के ये काला झरिया होल्ट के पास ये जो हादसा है, ये हादसा हुआ है। ये ट्रेन जब वहां पे रुकी है काला झरिया स्टेशन के पास, उसी समय एक अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गया है बॉगी में, और आनंद फानंद में जो यात्री थे वो नीचे उतरने लगे और ट्रैक से पार कर रहे थे। उसी बीच में एक लोकल ट्रेन आई है और उसके चपेट में कुछ यात्री आए हैं, जिसमें दो यात्री की मौत हुई है और कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और एक टीम गठित कर दी गई है और वो टीम जल्द ही जो घटनास्थल है वहां रवाना होगी और फिर पूरे मामले की जाँच करेगी। लेकिन जो यात्री की मौत हुई है वो यात्री ट्रेन से कूदे थे और उसी दौरान इनकी मौत हुई है। जी हरिवंश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे फॉर ऑल द अपडेट्स दैट कम इन ऑन दिस स्टोरी।